अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू नाइटमेयर ऑटोस। कल आपने देखा था हमने गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रिक फ़ैन फिट किया था, एक शायद की मक्खी से डर के भागे थे और हमने और इस तरह के छोटे मोटा कोई काम नहीं किया था। वैसे कल हमने छोटे मोटे बहुत सारे काम करने के बारे में बोला ज़रूर था। ऑयल चेंज ट्यूनिंग गाड़ी की रहती थी, वो हम आज कराने जा रहे हैं। अभी मुझे मैकेनिक की कॉल आ गई कि वो पहुँच गया, सुबह के 8 बज रहे हैं एंड मैं भी निकलने लगा हूँ। गाड़ी के अंदर फ्यूल शूल डलवाता हूँ एंड मैकेनिक के पास पहुँच रहा हूँ, इंजन की ऑयल चेंज ट्यूनिंग कराते हैं। उसके बाद आज हमने फ्लेम किट फाइनलाइज करनी है। कल सर्किट मेरा बन के आ गया था एंड इंशाल्लाह आज उसकी फिटिंग करेंगे एंड आपको शाम तक बेहतरीन किस्म के फ्लेम्स भी दिखाएंगे। एंड विद दैट मेरा ख्याल है आज 28th के शो के लिए हमारी गाड़ी रेडी हो जाएगी। उसके बाद ज़रा गाड़ी को साफ़ सुथरा करके रखेंगे एंड शो इन्जॉय करेंगे। तो स्टे विद मी, आपको सारा प्रोसेस दिखाएंगे मैकेनिक के पास भी एंड फिर फ्लेम किट की इंस्टॉलेशन का एंड फ्लेम किट के फाइनल रिजल्ट्स भी। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। हाय, मेरा नाम है उमर और मैं बनाता हूँ कार रिलेटेड कंटेंट। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे कार रिव्यूज़, कार प्रोडक्ट रिव्यूज़, कार सेल परचेज, कार इंस्पेक्शन, कार रेस्टोरेशन और बहुत सारा ऐसा कॉन्टेंट। गाड़ियाँ मेरे लिए एक लाइफ स्टाइल चॉइस नहीं बल्कि एक पैशन है। और अगर आप रेगुलरली ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो मेक श्योर टू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू द नाइटमेयर ऑटोस चैनल, बिकॉज यहां पर कंटेंट खत्म नहीं होता। तो एक सडन चेंज ऑफ प्लान्स हो गया। मेरा मूड था कि बस ऑयल चेंज ट्यूनिंग कराएं। और ये मूड क्यों बना था, हालांकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने तो ऑयल वगैरह सारा इसका सेट किया था बिफोर द UOL ऑटो शो। यार, जो अपना UOL का ऑटो शो था ना, उसके बाद से मुझे ज़रा एक एक्स्ट्रा सी आवाज़ आ रही थी इंजन से। तो खौफनाक किस्म की नहीं थी जिस तरह मेरा पिछला क्रैंक ही बोल गया था, लेकिन ना मुझे फील हो गया था कि इंजन की थोड़ी सी वाइब्रेशन ज़्यादा है एंड थोड़ा सा ना कोई यानी आवाज़ टैपिट्स की ज़्यादा है कुछ इस तरह। आपको पता है आपकी गाड़ी का आपको अंदाज़ा होता है जनरल सी ना नॉइज़ कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं, तो मुझे ज़्यादा लग रही थी। एंड अभी लेके गए हैं, मैंने कहा चेक करें, शायद ट्यूनिंग ही हो, ज़्यादा क्या रौला हो सकता है, क्योंकि अभी तो सारा कुछ सेट कराया था एंड ऑटो शोज उसके बाद भी UOL रिम्पा प्लाजा सारा कुछ बड़ा सेट गुजरा। तो गाड़ी का ऑयल पंप नहीं काम कर रहा सही इतना। अब ऑयल पंप के अंदर किट होती है, मैकेनिक तो कह रहा है वो चेंज होगी तो सेट हो जाएगा। मुझे डाउट तो ऑयल पे ही था, इस वजह से ऑयल चेंज ट्यूनिंग के लिए गया था, लेकिन ये नहीं था अंदाजा कि किट ख़राब हो जाएगी ऑयल वाली। एनीवेज़ अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली पकड़ ली है, हमारा बड़ा फिट इंजन है एंड इंजन की बचत हो गई है। तो इंजन लेकिन निकालना फिर पड़ेगा क्योंकि किट तो हमने चेंज करनी है। तो अब मैं गाड़ी छोड़ आया हूँ एंड अब मैंने करने हैं पैसे अरेंज क्योंकि तकरीबन 17-18 हज़ार तो अभी फिर लागी जाने हैं। ऑयल किट एक चेंज होगी एंड इंजन निकलेगा ऑब्वियसली, फिर ऑयल चेंज एंड फिर मैंने कहा कि अपना ये जो डिफ शिफ और वो जो है अपना फ्रंट सस्पेंशन का मामला है ये सारा भी सेट करा लूँ। अब एक दफ़ा वर्कशॉप चली गई है तो आज अगर इस व्लॉग के अंदर आपको शायद फायर किट ना मिले लेकिन गाड़ी की डाडी वाली मेंटेनेंस ज़रूर मिलेगी। तो हम अब उस चक्रों में पड़ गए हैं। तो अभी मैं जाता हूँ, थोड़ी देर तक गाड़ी का इंजन बाहर होगा, फिर जो जो काम हो रहा होगा गाड़ी का आपको साथ के साथ दिखाएंगे। तो वंस अगेन अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इंजन की बचत होगी, इंजन के अंदर कोई इशू नहीं हुआ। तो ये है कि अपना इंशाल्लाह ऑयल पंप के अंदर जो भी सिचुएशन हुई वो सारा कुछ सेट सुट करके आज फिर गाड़ी हमारी क्लोज़ हो जाएगी। ऑन दिस नोट यार, आप लोगों को भी एक एडवाइस करूँगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपकी गाड़ी के अंदर से आपको जैसे ही कोई नई आवाज़ सुनाई देना, टेक इट टू योर मैकेनिक और चेक करो यार रोला कहाँ पर है। इससे पहले कि यार देखो, अभी मैं ऑयल पंप नहीं चल रहा था, आके शो आ रहा था 28th को, मैं फ्लेम किटें चलाता, शोखा होता अपनी तरफ से फुल, फिर मुझे डायरेक्ट 60-70 हज़ार की ठुकनी थी जी। फिर मैंने इंजन ढूंढते फिरना था दोबारा एंड यहाँ मैं गाड़ी बेचने के चक्करों में हूँ और वहाँ पर ये इशूज़ ही है, तो फिर नहीं ना बर्दाश्त होने थे। खैर, तो द पॉइंट इज़ जब भी आपको अपनी गाड़ी के अंदर कोई नई आवाज़ सुनाई दे ना, चाहे वो टायरों से सुनाई दे, चाहे वो आपको कहीं से भी सुनाई दे, चुप करके मैकेनिक के पास ले जाओ, पैसे बच जाएंगे। वैसे तो आपको लगेगा अभी मुफ्त में पैसे लग गए हैं, लेकिन पैसे बचेंगे आपके। तो शुक्र है मैंने भी यही अपनी एडवाइस पे अमल किया तो आज मेरा इंजन फिर बच गया। तो कल जो हमने इतनी मेहनत करके रेडिएटर लगाया था वो आज हमारे उस्ताद जी निकाल के बाहर मारने लगे हैं। कोई मसला नहीं, इंजन निकलना है तो ये सारा भी ज़रूरी है। अभी आगे सारी पट्टी शट्टी खुलेगी और फिर इंशाल्लाह इंजन फिर पुल होगा।
देखेंगे फिर इंशाल्लाह इसका ये ऑयल शॉयल का जो सारा निज़ाम है, ज़ीरो मीटर करके इंजन वापस गाड़ी के अंदर, एंड फिर इंशाल्लाह हमारी गाड़ी टेंशन फ्री हो जाएगी। एक ही हमने रेडिएटर वाला फ़ैन भी लगा दिया इलेक्ट्रिक, तो अब गुड सीन हमारा रहेगा इंशाल्लाह। गाड़ी ओवर हीटिंग से भी बची रहेगी सारी गर्मियाँ। तो ये है कि इस तरह के काम तो होते रहते हैं, फिर क्या कर सकते हैं। देखें अच्छी तरीके से हुई वायरिंग का ये फ़ायदा है, सारा कुछ ग्रिप टू ग्रिप लगाया हुआ है, तो हमें तारें उतारनी ही नहीं पड़ी, बस खींचा है सारा कुछ एंड एवरीथिंग जस्ट केम आउट ऑफ प्लेस। ये देखें सारी तारें, इवन डिस्ट्रीब्यूटर सारा कुछ। तो अक्सर मसला ही हमारा ये बन जाता है इन गाड़ियों के साथ कि इतनी तारें होती हैं, खोलते खोलते बंदा रह जाता है। तो कुछ तो ऑब्वियस ग्राउंड वायर्स हैं, वो तो खोलनी पड़ेंगी, जिस तरह ये इधर नीचे इधर पीछे, ये तो लाजमी है। लेकिन इसके अलावा सारा इंजन ऐसे है जैसे, यानी प्लग एंड प्ले टाइप सीन है, तो उतारना भी उतना ही आसान है, लगाना भी उतना ही आसान है। ये इस तरह की जो छोटी मोटी चीज़ें हमारे इलेक्ट्रिशियन कर जाते हैं ना, जहाँ पर ग्रिप नहीं लगाते, कोई इस तरह की हरकत नहीं करते, वो फिर बाद में मुसीबत ही बन जाती है। एक तो मैकेनिक्स को भी नहीं समझ आती कौन सी तार किधर जा रही है, एंड बाद में आपके लिए ड्रामे ही बने रहते हैं। तो जब भी आपने काम कराना है, इलेक्ट्रिशियन का बेशक सर खा जाए, उसे कहना है प्रॉपर ग्रिप लगा के, ग्रिपों के साथ सारे कनेक्शंस करें, ताकि ना आपका बाद में आसानी हो उतारते वक्त भी लगाते वक्त भी। क्योंकि कभी भी देखो ये पुरानी गाड़ी है, इनके अंदर कभी भी कुछ भी ख़राब हो सकता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि यार रिपेयरेबिलिटी, मेंटेनेंस इनकी आसान हो। तो गाइस ये देखें, मैंने एक और सेट ऑफ सस्पेंशन अरेंज किया। अभी तो ये काफ़ी गंदी मंदी सी है, तो खैर अभी आपको इतनी अच्छी ना लगे, शायद ये कैलिपर ये मैं रिप्लेस करके अपनी करंट सस्पेंशन वाले लगा लूँगा। लेकिन एक आपको चीज़ दिखाता हूँ बड़ी मज़े की, ये देख रहे हैं इसके कान, इसके कान के अंदर यहाँ पर स्लीव्स डली हुई हैं, जो कि मेरी गाड़ी के ऊपर जो कान लगे हुए हैं उनमें जगह ज़रूर है, लेकिन स्लीव्स नहीं लगी हुई। बिल्ला एनालिसिस, खैर लेकिन उसमें स्लीव्स नहीं लगी हुई। अब ये स्लीव्स ऊपर जाके शॉक के अंदर भी फिट होती हैं, जो कि मूवमेंट रोकती हैं। कितनी कमाल बात है ना, मेरी सारी फ्रंट सस्पेंशन में जितनी वाइब्रेशन थी वो इसी वजह से थी, क्योंकि ये स्लीव्स इसमें लगी नहीं हुई थी। तो खैर ये तो अभी मैंने आपको नहीं बताना कि ये कहाँ से आई है मेरे पास, इसी तरह पता चलता है यार, नॉलेज इसी तरह इंक्रीज़ होता है। अब 2000 चीज़ें होती हैं गाड़ी के अंदर, एंड अब ये एक एक चीज़ खोल के, यानी डिफरेंट पार्ट्स देख के, फिर ही आपको पता चलता है क्या चीज़ कैसे होनी चाहिए और कैसे नहीं होनी चाहिए। तो अब जाके ये अपनी K20 में फ़िट करते हैं। वैसे तो मुझे इससे ये भी पता चला कि मैं अगर अपनी K20 के अंदर यही वाली स्लीव्स रख के फिट कर दूं तो उसकी सस्पेंशन ओके हो जाएगी, लेकिन हमने थोड़ी राइट हाइट भी सही करनी है, तो आई थिंक सस्पेंशन वो वाली नहीं, सस्पेंशन यही वाली रखेंगे। तो लेट्स सी क्या बनता है आगे, अगर तो वही वाली चलानी हुई तो वो चला लेंगे, क्योंकि अब तो हमें वजह ही पता चल गई यार, सारी मसला ही हल हो गया। चलो गुड सीन हो गया फाइनली, नाउ आई कैन से फॉर श्योर कि अपनी हमने 0 मीटर कर देनी है गाड़ी इंशाल्लाह। तो हम वापस वर्कशॉप पे आ गए हैं, हमारी गाड़ी के अंदर से इंजन हो चुका है गायब, वहाँ इंजन हमारा पड़ा है एंड खुल रहा है। तो इंशाल्लाह अंदर के जो भी सिचुएशन होगी वो आपको दिखाएंगे, उसके बाद इसको सेट करके फिर गाड़ी के अंदर वापस फिट कर देना। तो गुड न्यूज़ है, वाकई मसला सिर्फ ऑयल पम्प का है, तो वी गॉट लकी। जैसे ही ऑयल पम्प बंद हुआ, जैसे ही मुझे थोड़ा सा इंजन के अंदर प्लस माइनस फील हुआ, मैं ले आया गाड़ी, तो मेरी बचत हो गई है। गाड़ी का क्रैंकशाफ्ट चेक किया हमने, क्रैंकशाफ्ट बिल्कुल ओके है, उसकी कोई टेंशन नहीं बनी। वरना अव्वल तो जैसे ही ऑयल का इशू बनता है, गाड़ी जैसे ही हीट पकड़ती है तो क्रैंक का मसला बनता है, हमारी क्रैंकशाफ्ट बच गई है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, एंड इंजन यानी हमारी बचत रह गई है, तो गुड है। अब थोड़ी देर तक इंशाल्लाह इंजन को ओके करते हैं, जो खोला है वो सारा बंद करते हैं, प्रॉपर टॉर्क करते हैं, ऑयल पंप की सेटिंग होती है, उसके बाद फिर इंजन क्लोज करके वापस अपनी गाड़ी में फिट कर देंगे। मीनवाइल मुझे पता था मेरी ना स्टार्टर की तार थोड़ी सी ख़राब थी, तो थोड़ी सी नहीं वो काफ़ी ख़राब है, मैंने ऊपर से लैमिनेशन उतारी है तो मुझे पता चला है, इंसुलेशन उतारी है मतलब, पता चला है नीचे से भी ज़रा तार के हालात टाइट ही हैं। तो अभी क्योंकि गाड़ी खुली है, हमारे लिए चेंज करनी आसान है, ये चीज़ भी चेंज कर देंगे तो गुड हो जाएगा मामला हमारा, स्टार्टिंग वाला मामला भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। वैसे तो कोई इशू नहीं है स्टार्टिंग में, लेकिन और इम्प्रूव हो जाएगी। तो खैर यार इंजन बे फॉर 1974 मॉडल कार, इंजन बे अमेजिंग है अभी भी। तो एंड अदर देन दैट, ओ हाँ एक ये बोल्ट भी मिसिंग था, ये भी उस्ताद जी को कह देते हैं कि लगा दे, गाड़ी का एक मेन बोल्ट है, दूसरी साइड पे दोनों लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है, एक मिसिंग है,
ये भी लगवा लेते हैं। गाड़ी को हमने रेडी करना है और ज़ीरो मीटर करके सेल करना है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैंने सारी नोट की हुई हैं, इंशाल्लाह सारा सेट करके फिर इंशाल्लाह गाड़ी को सेल करेंगे। तो ये है कि यू आर नॉट गोना फाइंड अनदर 74 मॉडल करोला एज़ वेल मेंटेन्ड एज दिस वन इंशाल्लाह। तो खैर गुड सीन सर। तो फ्यूल पम्प गाड़ी का पहुँच गया एंड बाकी कुछ सामान और भी पहुंच गया, ज़रा सीलें शीलें वो सारा कुछ देख लें। इंजन खुल गया तो मैंने कहा एक जनरल सी मेंटेनेंस इसकी हो जाए, वो सामान पड़ा। तो ये सारा कुछ करके फिर आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से इंजन को करेंगे क्लोज़ एंड फिर आपको अपडेट देते हैं मज़ीद। बाकी मुझे एक और मज़े की बात पता चली है साहब जी, ये तो पकड़ें वो मज़े की बात कैमरा भी दिखाऊँ। तो मज़े की बात कुछ ये है कि मुझे पहले भी शक तो पड़ रहा था, लेकिन ये डली हुई है घर की वायरिंग वाली तार जो कि हमारे सेल्फ को जा रही थी। तो ये मेरा ख्याल है हमने जो कई 20 काटी थी उसके अंदर से ऐसे ही निकली थी। अब ये अगर हम चेंज कर देंगे तो हमारा थोड़ा मामला बेहतर हो जाएगा। मुझे स्टार्ट से इस तार पे डाउट था, आई शुड हैव एक्टेड ऑन इट एंड अब क्योंकि एक्ट कर लिया तो इसको इंशाल्लाह अब सेट करके डाल लें। प्रॉपर जो तार आती है वो वाली डालेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अभी कुछ देर पहले फुल तूफ़ानी बारिश हुई है, गाड़ी आगे से इंजन बे धुल गया खुद ब खुद ही। तो खैर उस दौरान हमारे इंजन में फिटिंग सारी हो गई है। ये क्रैंक को हमने चेक कर लिया था कि कहीं क्रैंक में तो इशू नहीं हो गया, तो उसके बाद इसकी भी फिटिंग कर दी है। तो एज़ यू कैन सी ज़ीरो प्ले विच इज़ वेरी अमेजिंग, अल्लाह का शुक्र है। हालांकि ऑयल पंप जो है ना वो काम करना बंद कर जाए तो आपका इंजन फारिग हो जाता है। लकीली हमने ज़्यादा देर वेट ही नहीं किया, ज़रा सा मुझे फ़ील हुआ तो मैं ले आया हूँ गाड़ी, आके इंजन खुलवा लिए। मेंटेनेंस ऐसे ही होती है यार, आपने ज़रा नहीं वेट करना कोई छोटा मोटा मसला हो ना। तो खैर अभी मैंने इस टाइम देख लिया तो बचत हो गई है, वरना यही 70-80 हज़ार का इंजन रीबिल्ड होता है। तो अभी इसको अच्छी तरह धो के फिर ऑयल पम्प फिट करके फिर इसका ये चैम्बर फिट कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे एंड फिर गाड़ी में इंजन फिट हो जाएगा हमारा। खैर ये काम फिर आज का रह नहीं गया, आज मैंने आपको कहा था शायद फायर किट चेक कराऊँ लेकिन काम लंबा हो गया, तो आज नहीं इंशाल्लाह कल की तारीख तक इंशाल्लाह आपके पास फायर किट भी हम चेक करा देंगे। वो सारा सामान पड़ा, वैसे हमारा सामान सेट है, क्लच प्लेट वगैरह हर चीज़ ना गुड है। हेलो आयो के पानी आया, इंजन जाने लगा है गाड़ी के अंदर वापस, रात के टाइम ही सेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सामान इसका डाल गया, गुड हो गया इंजन, हर लिहाज से इसकी टेंशन ख़त्म। इंशाल्लाह जब ऑयल पम्प के बाद ये इंजन और स्मूथ चलेगा। चलें फिर अभी हिम्मत करके इसको अंदर फिट करते हैं, अगर तो कैमरा कहीं पर लग सकता हो तो पढ़ा दे दूँ। गाड़ी में हमने इंजन रख लिया, गियर के साथ सारा पेयर हो गया, सारा ये वाला मामला सेट हो गया। तो एट दिस पॉइंट मेरा ख्याल है अब हम घर जा रहा हूँ, मैकेनिक भी हमारे घर जा रहे हैं। सुबह गाड़ी के अंदर ऑयल डलेगा, नई तार डलेगी वो सेल्फ के लिए एंड फ्रंट सस्पेंशन सेट होगी, रियर डिफ चेंज होगा एंड इंशाल्लाह कल की तारीख में गाड़ी सेट हो जाएगी। आपको लारा में लगाता हूँ फ्लेम किट का और दिन के एंड पे ये इस तरह के काम हो जाते हैं। कल का दिन सारा रेडिएटर की सेटिंग में, उसके बाद और अपने कामों में, और आज का दिन फिर सारा गाड़ी के जनरल मेंटेनेंस में चला गया। खैर जनरल मेंटेनेंस से थोड़ा सा आगे रिपेयर्स कह सकते हैं, रिपेयर के उसमें चला गया, इरादा जनरल मेंटेनेंस का था, बट चलो ये सब भी पार्ट एंड पार्सल है कार ओनरशिप का। बट एट दिस पॉइंट विद द इंजन विद सस्पेंशन विद द डिफ आई थिंक हमारा K20 का प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो जाएगा। अगर तो माइनर सा बॉडी वर्क करवाना हुआ तो करवा लेंगे, वरना आई गेस द कार इज़ रेडी फॉर सेल आफ्टर दैट। तो कल इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी है कि कल फ्लेम किट भी लगा दी जाए, चला भी दी जाए, अगर ना चली तो परसों चला देंगे यार शो पे, कोई मसला ही नहीं है, फ्लेम किट आपको चला के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो ओके फिर आई गेस घर जाता हूँ, कोई फाइनल सी गपशप लगाते हैं और फिर क्लोज़ करते हैं इसी। तो गाइस सिचुएशन कुछ ये है कि कल रात में बहुत थक गया था और सो गया था एंड आई थिंक कल का व्लॉग ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया। निकले थे हम फ्लेम किट लगाने एंड करते करते हम गाड़ी का इंजन निकाल बैठे। तो खैर कोई नहीं, आई थिंक यहाँ पर कल का व्लॉग कर रहा हूँ ख़त्म एंड आज का व्लॉग रिकॉर्ड करना स्टार्ट करूँगा। तो इंशाल्लाह यू विल सी दिस वीडियो बाय ट्यूसडे। तो
बाय दिस टाइम इंजन गाड़ी के अंदर वापस आ गया है एंड हमने ऑयल भी ख़रीद लिया है. आई एम यूजिंग टोटल का 2050 दिस टाइम. भाई भाई ऑयल से जाके लेके आया हूँ. आई चूज भाई भाई ऑयल. वैसे तो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है नहीं, लेकिन भाई भाई ऑयल से मैं अक्सर परचेज करता हूँ. तो अगर तो रीच आउट कर रहे हैं स्पॉन्सर करने के लिए तो कर रहे हैं. मेरे पास बड़ी ख़तरनाक बिल्ड्स हैं. दे नीड दिस काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन. खैर, तो आज का व्लॉग पे स्टार्ट कर रहा हूँ एंड कल का इधर एंड कर रहा हूँ. तो अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई, गिव इट अ थम्स अप एंड कमेंट्स में बताओ यार. आई एम बेसिकली शोइंग यू द रियलिटीज ऑफ बीइंग अ कार गाय. लोग आपको ड्रिफ्टिंग और याशिया वाला सीन तो सब बताते हैं. मैं आपको रियलिटी दिखाता हूँ कि गाड़ी में से 3 दफ़ा इंजन भी निकलवाना पड़ सकता है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन. यार मैं इस तरह का बहुत मज़ेदार ऑटोमोटिव कॉन्टेंट रेगुलरली बनाता हूँ. एंड I guess with all that said, take care. Allah Hafiz.